खासकर बिहारियों के लिए, हमारे लिए, अपने लिए, हम भी बिहारी हैं भाई। तो प्लीज आप बिहारी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं है तो देखिए बिहार में क्या क्या है, कैसे यहाँ पे लोग हैं, कहाँ से इतने लोग आते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं, इतने इंटेलिजेंट्स महापुरुष कैसे यहाँ पे हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और बिहारी हैं आप तो जरूर तहे दिल से इस वीडियो को फुल तक देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें इसमें आपको हम बताने वाले हैं, जिस बातों से आप वाकिफ ना होंगे, और वाकिफ भी होंगे तो इतने उनके बारे में जानते नहीं होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले चलिए हम आपको दिखा देना चाहते हैं कुछ बिहार की अनोखी चीज़ें, अनोखे पुरुष जो कि हमारे बिहार का नाम रोशन किए हैं। तो ये मेरे सामने स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, देखिए इनको गौर से पहचानिए, ये सब हमारे बिहार के ही महापुरुष हैं जो कि हमारे बिहार का नाम रोशन किए हैं। तो जियो हो बिहार के लाल, जियो तू हजार साल, हो जियो तू बिहार के लाल, जियो तू हजार साल, तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावे भैया। आई प्राउड ऑफ बिहारी, हम लोग बिहारी हैं तो बहुत गर्व से हम बोल सकते हैं कि हम बिहारी हैं, क्योंकि आज बिहार का स्थापना दिवस है, और मतलब आज पूरे बिहार में बहुत ही उत्साह है, सबके स्टेटस पे बिहार स्थापना दिवस का वीडियो लगा है, इमेज लगा है, सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मतलब आज बिहार पूरा हैप्पी है। तो उसको लेकर आज ये मैं नया ब्लॉग बना रहा हूँ, और मैं बता देना चाहता हूँ, लोग बिहारी बिहारी नाम से चिढ़ते हैं, जो चिढ़ता है वो कायर है, क्योंकि वो बिहारी से सामना नहीं कर सकता है। बिहारी बिहारी वो थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, कौन नहीं उनको जानता है, जो कि हमारे भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया, जो कि सिवान जिले के हैं, और उनका घर जीरादेई में है, और उनका आज भी घर वैसे सजा के रखा गया है, लाखों लोग डेली जाते हैं उनको देखने के लिए। माउंटेन मैन को कौन नहीं जाता, माझी वो भी बिहार से है। तो सही में कहा ही गया है कि अगर बिहार के लड़के का किसी का दिल टूटता है तो सीधा पत्थर तोड़ देता है, द माउंटेन माझी। आप देख सकते हैं, आप जान रहे हैं, आप सुने भी हैं कि माउंटेन माझी अगर उनका पत्नी खो गई, क्यों, क्योंकि मतलब वो जिस गांव में रहते थे उसके आगे एक पहाड़ था, वहां से रास्ता नहीं था जाने का, वो पहाड़ पे चढ़ के जाते थे, अचानक उनकी बीवी गिर जाती है, खाना वो काम करते हैं खेत में, खाना लेके आते हैं, और आते समय वो गिर जाती है पहाड़ से, और उस प्रेग्नेंट रहती है, तो उस समय आप समझ सकते हैं, और उस समय उसको हॉस्पिटल ले जाते वो पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते इतना लेट हो जाते हैं कि उनकी वाइफ खो जाती है हॉस्पिटल में जाकर, उसका मृत्यु हो गया, और उसके कारण वो ठान लिए माझी जी कि हम एक ना एक दिन इसमें रास्ता बना देंगे, जो मेरे साथ आज गुजरा है वो बिहार के किसी और आदमी के साथ नहीं गुजरेगा। और उन्होंने उठाया छेनी और हथौड़ी और पहाड़ तोड़ना स्टार्ट कर दिया। लोग उनको जानते हैं क्या बोलते थे, पागल हो गया, लोग क्या उनके पिताजी बोलते थे, अरे तू पागल हो गया, अरे दशरथवा तू पागल हो गया, लेकिन वो किसी के नहीं सुनते। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये जनता क्या कह रही है, पब्लिक क्या कह रही है, आपके आसपास जो भी लोग वो क्या कह रहे हैं, आपके समाज क्या कह रहे हैं, नहीं सुनना है। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर रहेंगे तो एकदम एक न एक दिन लक्ष्य को पा लेंगे। अगर एक दूसरे की बातें सुनेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे ने कभी आपको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत से हमारे बिहार में अनोखे अनोखे महापुरुष हैं, अनोखे अनोखे चीज़ है जो देखने का, जैसे में पटना के पास राजगीर, क्या राजगीर का नज़ारा है, आप जाकर देख सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को कौन नहीं जानता, देश विदेशों से लोग आते थे वहाँ पे पढ़ने के लिए, आज भी नालंदा विश्वविद्यालय पूरा वर्ल्ड में जाना जाता है, जो कि बिहार में ही है। तो जो भी बिहारी हैं उनको कभी डरना नहीं चाहिए, उनको अपने आप से बिहारी बोलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, कहीं भी जाए तो सीना ठोक के बोले आई एम बिहारी,
क्योंकि बिहारियों से ना सबकी फटती है, आपको मालूम ही होना चाहिए। तो बिहारी जितने भी है उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप कहीं भी डरे ना, शरमाए ना, एक दूसरे से साथ रहें, बिहारियों का साथ दें। और सबसे बड़ी बात है, बिहारियों में प्रेम व्यवहार रहता है। दूसरे राज्यों में आप जाएंगे, आपके सामने कुछ अन्याय होगा, बगल के क्या करेंगे, खड़े को देखेंगे, कुछ नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं, बंदा को कुछ कर रहा है कोई और वो सीधे रास्ते से अपने जा रहे हैं। लेकिन अगर एक वहाँ पे बिहारी होगा ना, कुछ भी हो जाए आवाज़ ज़रूर उठाएगा वो कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, छोड़ दो, या उसको बचाव में ज़रूर जाएगा। ये इंसानियत हमारी बिहारियों में है और कोई राज्यों में ऐसा इंसानियत नहीं है, ये मैं वादा के साथ देखा भी हूँ, लाइव देख भी रहा हूँ और देख कर जान कर सब कुछ बैठा हूँ। तो जितने भी हमारे बिहारवासी हैं उन सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिहार का नाम ऊंचा कीजिए, अपने गांव जिला जवार का नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए और अच्छे अच्छे विचार संदेश एक दूसरे को दीजिए, गलत राह पे कभी भी किसी को न जाने दीजिए। बिहार की आजकल स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कमाने के कोई रोजगार नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा इधर उधर जाना पड़ता है। अच्छा आई ना कोई ना, आज नहीं तो कल हम लोग का दिनचर्या सही होगा और आने वाला दिन में धीरे धीरे बदलाव होता ही रहा। पहले क्या ब्याज था और आज क्या हो गया, मैं तो जानता हूँ कि बहुत ही आगे। सबसे पहले आप जानते हैं बिहार में सबसे टॉप लेवल का एग्जाम IAS और सबसे ज़्यादा हर साल निकालने वाले हमारे बिहार स्टूडेंट्स। तो IAS टॉपर के नाम से बिहार भी फेमस है, खासकर IAS टॉपर के नाम से ही बिहार फेमस है। सबसे ज़्यादा IAS निकालने वाले छात्र हमारे बिहार से हैं। तो मैं बिहार को सलाम करता हूँ, तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और बिहार के जितने भी सदस्य हैं, जनता है, उन सभी को दिल से नमन करता हूँ। आप सबको हार्दिक बिहार दिवस की शुभकामनाएँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने भविष्य में उज्जवल दिन का कामना करेंगे, अपने उज्जवल दिन मतलब अगले जो दिन आने वाले हैं उसमें उज्जवल भविष्य के लिए अपना लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं इन्हें इतना ही और आज के ब्लॉग में इतना ही, और बहुत अच्छे अच्छे मैंने ब्लॉग बनाए हैं बट आज बिहार दिवस है तो बिहार दिवस के बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर लोगों को कहना चाहिए, क्योंकि हम बिहारी हैं और बिहार की ही बात नहीं करेंगे तो किस राज्य की बात करेंगे, बिहार के हैं बिहारी ही बात करेंगे, बिहार के बारे में बात करेंगे। और आज बिहार दिवस के साथ साथ नवरात्र का भी शुभ प्रारंभ हुआ है और इसे नया साल भी हम लोग हिंदी भाषा में बोले तो आज ही नया साल मनाया जाता है। 1 जनवरी वो अंग्रेजों का है, लेकिन हम लोग का जो 1 जनवरी यानी नया साल है वो आज के दिन से स्टार्ट होता है। तो आप सबको नया साल का भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो और अंत में एक बार आप सभी से कह देना चाहते हैं, जितने भी हमारे बिहार के सदस्य हैं उनसे एक बार जरूर मैं कहना चाहूँगा, कहीं भी जाएं डरे नहीं, बेहिजक रहें और मुकाबला का सामना करें। कोई भी मुकाबला हो, कितना भी गंभीर मुकाबला हो, उसका सामना करें और अपने गौरव से बोले कि हम बिहारी हैं, जय बिहारी। तो और याद रहे मैंने क्या बोला अभी लास्ट में, यही कि कहीं भी डरना नहीं है और ऊंची आवाज़ में बोलना है, हम बिहारी हैं। अरे बिहारी हैं भाई बिहारी, किसी के सामने डरने की बात नहीं है, हिम्मत है सीने में हमारे, बिहार की मिट्टी में जो शान है ना, जो दम है ना, वो किसी के मिट्टी में नहीं है। तो और बिहार का जो नाम है ना 5 अक्षर में है, वो 5 अक्षर हमारे भारत से जुड़ता है। बी से भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, ए से आर्यावर्त, आर से प्रयाखंड। तो देखा आपने, ये जो हिंदुस्तान, ये भारत है ना, हमारे बिहार के कण कण में बसा हुआ है। तो किस बात का डरना भाई, शान से जहाँ भी रहें शान से रहें और कभी भी गलत ना करें, ये संदेश जरूर देना चाहता हूँ। एक गलती से आपका पूरा बिहार का नाम गलत हो सकता है, बिहार के लोगों पर कलंक लग सकता है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कभी ना करें। भले एक वक्त बिना खाए सो जाएं, लेकिन गलत काम कभी ना करें। तो
अगले ब्लॉग के लिए वेट कीजिए, और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग मैंने अपने चैनल पे बना के रखे हैं, तो प्लीज़ जाइए सीन कीजिए, शर्माइए नहीं और दिल से सपोर्ट कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।